हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ख्याली खाना। तो भाई जो भी खाना होगा आपके ख्यालों में उसको लाया जाएगा सामने। चलिए पेश करते हैं। तो भाई जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, आज हमारी टीम ने मंगाया डोमिनोज का सबसे सस्ता पिज्जा। सबसे सस्ता मतलब जो सबसे चीपेस्ट आ सकता था आज हमारी टीम ने वो पिज्जा मंगवाया है। तो आपके सामने पिज्जा लाकर बताते हैं भाई कैसा लगता है वो। तो भाई वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई डोमिनोज का सबसे सस्ता पिज्जा आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये रहा, ये हमारा डोमिनोज का सबसे सस्ता पिज्जा। ये पिज्जा हमने मंगाया सिर्फ 49 रुपीज में। 49। भाई जैसा मैंने आपको बताया ये पिज्जा हमें पड़ा है 49 का, बट इसका एक कंडीशन है यार, ये पिज्जा हमने टेक अवे ऑर्डर में लिया है। अगर आप घर पे डिलीवरी मंगाओगे तो शायद डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाए। तो हमने क्या किया, हम खुद स्टोर गए, वहाँ से लेके आए इसको टेक अवे ऑर्डर में, और ये सिर्फ 49 रुपीज का था और इसमें शायद 2 या 3 रुपये टैक्स लगा। तो नेट हमने शायद 52 रुपीज कुछ पे करा था बिल पे। बट भाई ये सबसे चीपेस्ट पिज्जा है। तो भाई करते हैं इस पिज्जा की अनबॉक्सिंग और आपको बताते हैं ये पिज्जा कैसा दिखता है। तो भाई पिज्जा को अनबॉक्स करने से पहले बता दूं भाई, इस पिज्जा का जो हमने ऑर्डर दिया ना भाई, इसका नाम था फुल इंग्लिश नाम क्या था मैं बताता हूँ, क्लासिक पिज्जा विद टॉपिंग स्प्रिंकल ऑफ बेसिल एंड पार्सले हर्ब्स। मतलब यार इतना चीपेस्ट पिज्जा का इतना बड़ा नाम और वो भी इतना हाईफाई। भाई नाम में तो लिखा था स्प्रिंकल ऑफ बेसिल एंड पार्सले हर्ब्स, बट देखते हैं भाई इसमें ओपन करके क्या कहाँ मिलेंगे भाई वो हर्ब्स और कैसे दिखेंगे वो। तो लाओ कैमरा पास में और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। भाई ये रहा हमारा 49 रुपीज़ का क्लासिक पिज्ज़ा। हमें इसमें एक ये मिला है भाई, 2-3 ओरिगानो मैंने एक एक्स्ट्रा मांग लिया था, एक हमने ये भाई चिली फ्लेक्स लिया और ये मिले 2-3 टिशू। वैसे इन टिशूस का कोई काम नहीं है यार, बट ठीक है चलो बाद में हाथ साफ कर लेंगे। चलो भाई करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं भाई कहाँ है वो हमारे बेसिल और पार्सले हर्ब्स। यार ये मैंने फाड़ तो दिया ही था अभी, इसका बिल चेक करने के लिए करता हूँ इसकी ओपनिंग। अरे भाई ये क्या है बे, 49 में ये क्या पकड़ा दिया। वैसे तो कोई टॉपिंग भी नहीं दिख रही, वो हर्ब्स का है जो कह रहे थे। यार ये तो बिल्कुल ही अलग स्वैग है, ये देख रहे हो भाई इसमें। भाई अगर आपको कोई हर्ब्स वगैरह कुछ दिख रहा है तो वही बताओ, मुझे तो शायद सिर्फ एक लिक्विड सी चीज दिख रही है, थोड़ी सी सॉस है और भाई पिज्जा बेस बेक करके दे दिया। करते हैं भाई इसको टेस्ट, बताते हैं आपको भाई ये वर्थ है 49 का या फिर कुछ टॉपिंग वगैरह डलवाता है इसमें। चलो देखते हैं। तो भाई 49 के पिज्जा में डालते हैं हम ये थोड़ी सी ओरिगानो, ये डल गई भाई अपनी ओरिगानो। यार ऐसा तो नहीं है जो ये बेसिल और ये पार्सले हर्ब्स कह रहे थे ये ओरिगानो में ही था और उसको कह दिया चलो भाई ये पिज्जा ले लो इस नाम पे। मुझे लग रहा है भाई ये ओरिगानो में ही था ये दोनों हर्ब्स। चल कोई नहीं यार 49 में क्या लेंगे, थोड़ी चिली फ्लेक्स डालते हैं। यार केचप तो मंगवाई नहीं हमने, केचप दे रहे थे क्या डोमिनोज वाले। तो यार अनबॉक्सिंग के टाइम में मुझे यार वो बेसिल और पार्सले हर्ब्स तो कहीं दिखे नहीं। अब या तो इसकी टोमेटो केचप जो इन्होंने यूज किया पिज्जा सॉस उसमें होगा या फिर जो ओरिगानो हमने यूज किया भाई उसमें होगा। चलो तोड़ते हैं भाई इसको 4 पीसेस में और करते हैं इसकी टेस्टिंग। आपको दिखाता हूँ भाई एक पीस तोड़ा मैंने, ये देखो भाई ऐसा दिख रहा है, ऐसा पूरा मार्गरेटा पिज्जा लग रहा, थोड़ी और चीज डाल देते हैं सेम वही था। ये पिज्जा मुझे थोड़ा हैंडी पिज्जा लग रहा है, जैसे आप कहीं जा रहे हो ना तो भाई टेक अवे में एक ऑर्डर ले लो, खाते हुए जाओ पेट तो भर जाएगा, ऊपर से 49 में और क्या मिलेगा आपको। करता हूँ इसकी आखिरी बाइट और आपको बताता हूँ क्या लेना चाहिए आपको ये पिज्जा। यार पिज्जा ना बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है, पिज्जा बेस पिज्जा की सॉस ऊपर थोड़ी सी चीज डाली हुई है और बेक करके दे दिया, पता नहीं हर्ब्स कहाँ पे थे बट ठीक है। इसको आप वन टाइम खा सकते हो
और हाँ अगर आपको टॉपिंग पिज्जा अच्छे लगते हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट ये पिज्जा वन टाइम है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, मार्गरेटा पिज्जा का छोटा लेवल ले लो, क्योंकि इसमें जो चीज है वो भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो भाई हम इस पिज्जा को देंगे 8 out of 10, क्योंकि ये था सिर्फ वन टाइम ईटेबल। और हाँ अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो भाई अगली वीडियो में आपके लिए लाएंगे एक नया ख्याल, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में और प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टाटा।